चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मा कंपनियां फोकस में हैं। इस बीच एक के बाद एक दिग्गज कंपनी अपने नतीजे घोषित कर रही है। कल हमने देखा ल्यूपिन के नंबर आए और अब डॉक्टर रेड्डीज आज अपने नतीजे घोषित करेगी। नंबर से क्या अनुमान है समझ लेते हैं और पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। पंकज गुड मॉर्निंग, बताइए डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? डॉक्टर रेड्डीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे एंड माइंड यू अब तक सिप्ला के नंबर आ चुके हैं, बहुत सारी मिड कैप कंपनियों के आ चुके हैं और लूपिन ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। सो काफ़ी सारे क्यूज है गोइंग इनटू दिस नंबर। टू और थ्री की थिंग्स दैट सब देखना चाहेंगे। फर्स्टली इनका एबिटा मार्जिन क्या रहता है। अक्रॉस द बोर्ड एबिटा मार्जिन एक मिस रहा है, किसी के लिए हायर अदर एक्सपेंसिज रहे हैं तो किसी के लिए सेल्स यूएस में काफ़ी कम रही है। सो किस तरीके से ये डॉक्टर रेड्डी का इम्पैक्ट करता है, ये समथिंग है जो देखना रहेगा एज फार एज डॉक्टर रेड्डी गोज। इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग विद द यूएस मार्केट, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। यूएस ग्रोथ कितनी है, इंडिया ग्रोथ कितनी है और आगे जाके यू नो चीज़ें कैसे रहेगी। तकरीबन 5,000 करोड़ का सेल्स एस्टिमेट है तो 5,000 करोड़ का नंबर इज ब्रॉडली व्हाट द स्ट्रीट इज एंटिसिपेटिंग और अराउंड 560 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है जो स्ट्रीट ब्रॉडली देख रही है। मार्जिन की फोकस रहेगा, प्राइसिंग कमेंट्री की फोकस रहेगी और क्या लॉन्चेस यूएस में रहते हैं, ये समथिंग है जो मार्केट बहुत क्लोजली वॉच आउट करेगा गोइंग इनटू द नंबर्स। ठीक है, तो कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मार्जिन के फ्रंट पर नंबर कैसे आते हैं ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज ये सारी जानकारी देने के लिए। नतीजों के पहले हम देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज इस वक्त सपाट ही कारोबार कर रहा है, करीब 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें गीता राणा ने सवाल भेजा है। इनका पहला सवाल है इंडसइंड बैंक पर 95 शेयर्स इन्होंने 985 के लेवल्स पर लिए हुए थे, नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी यहाँ पर। रोहित क्या सजेस्ट करेंगे, नतीजे तो काफ़ी अच्छा है तो उसके बाद हमने देखा एक तेज़ी भी आई थी लेकिन क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल कमज़ोर है तो इंडसइंड बैंक के स्टॉक में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में, बने रहें और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें? मुझे आई थिंक थोड़ा अगर इनका लंबा नजरिया तो बने रहने की सलाह है कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर एक साइडवे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपको ब्रॉडर वे में अगर आप देखें तो एक यू नो रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, ऑन दी हायर साइड 1000 एंड ऑन लोअर साइड 820। तो ये यू नो करीब करीब 200 रुपए के रेंज में काफी टाइम से इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज के अंदर ही वो ट्रेड करेगा आने वाले समय के अंदर। अंटिल वी डोंट सी आइदर साइड ब्रेकआउट, एक फाइनल डायरेक्शन हम लोग को क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। थोड़ा यू नो यहाँ से सेल ऑफ भी इनको देखने को मिल सकता है बट अगेन जैसे कि मैंने बताया 820 का एक लेवल रहेगा जो नीचे के यू नो साइड में वॉचफुल रहेगा। 820 के नीचे अगर प्राइसेस गिरती है तो फिर आपको फॉल बढ़ता हुआ दिखेगा बट जब तक 800-820 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रही है मुझे लग रहा है कि एक बार वापस से 1000 तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं तो बने रहने की सलाह रहेगी बट थोड़ा फॉल के लिए इनको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। बट अगेन ओवरऑल स्टॉप लॉस इनके जो रहेंगे वो 820 के रहेंगे ऑन पोजिशनल बेसिस। 820 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है और मेरे जो ओवरऑल टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 1000 के रहेंगे और जैसे ही 1000 के ऊपर निकलेगा पूजा वापस इनको रिव्यू करने की सलाह रहेगी। ये व्यू लेकिन बात करेंगे कुछ और।